हाँ जी बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो वो जो बेसिकली हम लोग आपके साथ ये बात कर रहे हैं कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ ऐसा चीज है जो मिसिंग है। देख के, ध्यान से देख के बताओ क्या। देखो बच्चों, यहां पर भी हमने सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट सब आइडेंटिफाई किए, राइट। आपको याद होगा ये सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, ये सब हम ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंट में भी फाइंड करते थे, राइट। पर वहां पर जो हम फाइनेंशियल अकाउंट में फाइंड करते थे, आप लिखते थे वहां पर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह। तो बच्चों ये सब फाइंड कैसे करते थे, आप डेबिट साइड में लिख देते थे सभी के सभी कॉस्ट, और राइट हैंड साइड में लिख देते थे सभी के सभी रेवेन्यूज, सेल्स वगैरह। और जो डिफरेंस आता था तो उस डिफरेंस को आप क्या नाम देते थे, नेट प्रॉफिट। ये मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मर्ज करके बनाया, राइट। तो पर सर आपको याद होगा, आप जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो हम लोग यहां पर लिखते थे डेबिट साइड के अंदर ओपनिंग स्टॉक, यस ना, ओपनिंग स्टॉक। और बच्चों राइट हैंड साइड में क्या लिखते थे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो मतलब जब तक हम ये ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते थे, तब तक हमारा जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो हमें एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आइडेंटिफाई नहीं करके देता था, राइट। और बच्चों ध्यान से देखो, पूरी कॉस्ट शीट में हमने कहीं पर भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं किया। तो क्या बिना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के चल जाएगा, क्या कहते हो, नहीं चलेगा, राइट। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे आपको यह सिखाना है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिखते क्यों है, वाई, राइट। तो पहले तो मुझे यही सिखाना है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखते क्यों है, और जब आप ये सीख जाओगे तो उसके बाद ही हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, राइट। तो बच्चों नो डाउट आप फाइनेंशियल अकाउंट से ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखते हैं, तो क्या मुझे बता सकते हो। मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं, हर एक ट्रांजेक्शन की फाइनेंशियल अकाउंट में जर्नल एंट्री होती है, राइट और रॉन्ग, राइट। ट्रांजेक्शन, फिर जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री के बाद आता है लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो बच्चों अगर आप मुझे क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री बता दोगे, अगर आप मुझे क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री बता दोगे, तो बच्चों मैं मान जाऊंगा आपको कि यस, यू आर ए परफेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटेंट, राइट। और अगर मुझे आपने जनरल एंट्री बता दी, राइट, तो मैं आपको गिफ्ट भी कुरियर करवा दूंगा। ये जो वॉच है, ये वॉच आपको कुरियर के थ्रू सेंड कर दी जाएगी अगर मुझे इसका आंसर दे देती हो तो, राइट। तो बच्चों बता सकते हैं, हाँ जी, एनीबडी ऑफ यू। तो मेरे पास बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, यस प्लीज। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, इन्होंने जनरल एंट्री बताई है, इन्होंने एंट्री बताई है क्लोज परचेज टू क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, अपोजिट बताइए, एनीबडी एल्स, कुछ और आंसर, राइट। बच्चों यकीन मानो बहुत सारी क्लासेस में मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि वॉच में आपको कुरियर करवा दूंगा, आपको भेज दूंगा, राइट। और बच्चों बहुत टाइम से ये वॉच मेरे पास ही है, राइट। मेरा क्वेश्चन ये था, मैं इसको पहन लेता हूँ बच्चों, ये वॉच कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरे पास ही रहने वाली है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि अगर आप मुझे क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री बता दोगे तो मैं आपको ये वॉच दे दूंगा, राइट। इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि इस क्लोजिंग स्टॉक की कोई जनरल एंट्री नहीं होती, वॉच तो मिलनी तब थी जब आप जनरल एंट्री बताओगे, जनरल एंट्री होती नहीं है, बताओगे कैसे आप बताओगे, अगर बताओगे तो कुछ भी तो गलत ही बताओगे, तो इसलिए वॉच मेरे पास रहेगी, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि जब जनरल एंट्री नहीं होती, जनरल एंट्री बच्चों आज तक नहीं की आपने, तो वो लालच में आके जनरल एंट्री बता दी मुझे, राइट। तो एक्चुअल में तो कोई जनरल एंट्री होती नहीं है, जब जनरल एंट्री नहीं होती आज तक आपने कभी नहीं की, राइट। मैं आपको याद दिला दूं सब कुछ, आपने आज तक तो जनरल एंट्री पास की नहीं, नंबर वन। अगर जनरल एंट्री पास नहीं की, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये लेजर अकाउंट में क्यों आ गया, है ना, जब जनरल एंट्री नहीं होती तो ये कहां से आ गया, राइट। तो बच्चों मैं आपको याद दिलाता हूं, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमेशा फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट में गिवन होता था, राइट। इन फैक्ट एडजस्टमेंट में भी सबसे पहली एडजस्टमेंट होती थी क्लोजिंग स्टॉक 50,000, राइट। अब आपके स्कूल की मैडम ने, आपके स्कूल के टीचर ने बोला हुआ है बेटा क्लोजिंग स्टॉक को उठाओ, इसको उठा के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो, और इसको उठा के बैलेंस शीट के असेट्स में लिख दो। जैसे ही आपने ऐसा किया डबल इफेक्ट किया, तो आंसर मैच हो गया, और जैसे आंसर मैच हो जाता है तो उसके बाद तो हम सोचते ही नहीं है,
है ना। तो आज तक बच्चों ऐसे ही होता आया है कि क्लोजिंग स्टॉक को आप उठा के दो जगह लिखते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की असेट्स में। तो इसके बाद तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं लगती कि यार क्लोजिंग स्टॉक है क्या, क्यों करते हैं दिस एंड दैट, राइट। तो अब वो वक्त आ गया है कि आप जो है सोचें कि क्लोजिंग स्टॉक यहां पर क्यों करते हैं। समझाने की कोशिश करो, ध्यान सुनेगा। देखो बच्चों, जनरल एंट्री नहीं होती। सबसे पहले तो जनरल एंट्री क्यों नहीं होती? देखो बच्चों, जनरल एंट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हां जी, ट्रांजेक्शन, है ना। ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा? जनरल एंट्री। एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रांजेक्शन ही नहीं है। ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन मतलब मैंने गुड्स परचेज किए, ट्रांजेक्शन। मैंने गुड्स बेचे, ट्रांजेक्शन, राइट। मैंने कहा आपने, आपके पापा ने आपको जो है पॉकेट मनी पे की 2000 रुपए, दिस इज अ ट्रांजेक्शन फॉर यू, राइट। आपने उसमें से 500 रुपए खर्च कर दिए, राइट, ट्रांजेक्शन। आपके पास कितने रह गए? 1500। अब मैंने कहा आपके पास 1500 रह गए, बताना ये क्या है? ये तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, राइट। वो तो बैलेंस आपके पास है, वो तो है ही। लिए 2000, ट्रांजेक्शन। दिए 500, ट्रांजेक्शन। 1500 जो बचे हुए हैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ट्रांजेक्शन के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है, राइट। और क्लोजिंग स्टॉक जो सामान बचा हुआ है ये तो आपके पास खुद ही है, तो कोई दो पार्टीज तो इसमें बीच में इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर बच्चों ऐसा है कि ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो ट्रांजेक्शन के बिना हम जनरल एंट्री पास नहीं कर सकते। पर उसके बावजूद भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, राइट। तो ये कहां से आ गया? तो बच्चों ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये कहां से आ गया? तो इस पर्पज के लिए बच्चों ध्यान से सुनिए, समझेगा। देखो मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, राइट, मेरा एक ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस। इस ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर मैं क्या करता हूं कि मैं कुछ परचेज करता हूं और उसको बेच देता हूं, परचेज एंड सेल, राइट। तो मैंने कहा बच्चों कि मैंने कुछ यूनिट्स परचेज की हैं, लाइक सपोज करो मैं वॉचेस बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, राइट। मैंने वॉचेस परचेज की हैं 1000, कितनी? 1000। किस रेट से परचेज की है? सपोज करो 200 रुपए पर वॉच के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा टोटल परचेज कितने रुपीज की हो गई? 2 लाख, राइट। अब इसमें से सपोज करो मैंने 800 वॉचेस बेच दी, मैंने 800 वॉचेस बेच दी। किस प्राइस पर बेच दी बच्चों? मैंने कहा सपोज करो ये मैंने बेच दी 500 रुपए के हिसाब से, तो 800 × 500 ये भी कम कितना हो गया? रुपीज 4 लाख। अब मैंने कहा 4 लाख रुपए की सेल और 2 लाख रुपए का कॉस्ट, तो डिफरेंस जो बच गया वो कितना बच गया? 2 लाख। अब तो बच्चों मुझे बताओ क्या मैं इस 2 लाख को अपना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कह दूं? हां जी, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? राइट, क्योंकि बच्चों ये जो रेवेन्यू है ये तो सिर्फ और सिर्फ 800 वॉचेस की है, और जबकि आपके जो खर्चे आपने डेबिट साइड में लिखे हुए हैं ये खर्चे आपके पास 800 वॉचेस के लिए नहीं बल्कि 800 से ज्यादा के लिए। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है दैट द रेवेन्यूज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मस्ट मैच विद द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू मस्ट मैच विद ईच अदर, राइट। मतलब अगर हमारे पास रेवेन्यूज 800 यूनिट्स की हैं तो हमारे एक्सपेंसेस भी 800 यूनिट्स के होने चाहिए। अगर आपके पास एक्सपेंसेस 1000 यूनिट्स के हैं तो आपके रेवेन्यू भी 800 यूनिट्स होना चाहिए। मतलब या तो दोनों 800 वॉचेस के लिए हो या दोनों 1000 के लिए हो, राइट। अच्छा, क्या हम सेल को 800 की जगह 1000 यूनिट्स के बना सकते हैं? जब 31 मार्च आया हमने 800 वॉचेस बेच दी, हमारी कितनी वॉचेस नहीं बिक पाई? 200। अब वॉचेस तो बिक नहीं पाई रही हैं, तो हम लोग क्या जबरदस्ती किसी को पकड़े और कहें भाई सामान खरीद नहीं तो मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने में दिक्कत होगी? नहीं, हम जिस मर्जी को पकड़ के वॉचेस बेच नहीं सकते। वॉचेस जो बिकी है वो तो उतनी बिकी, राइट। तो हमें डेबिट साइड की जो कॉस्ट है इसको किसी तरह से कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और वॉचेस को कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बच्चों या तो यहां से आपको क्या कर देना चाहिए? माइनस नहीं करते बच्चों, हम क्या करते हैं? हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। किस नाम से? क्लोजिंग स्टॉक। हम क्रेडिट साइड में कहते हैं कि भैया हमारा कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, लाइक मैंने कहा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट्स का बच गया है, राइट। कितना का प्राइस था? 200 का, मतलब 40000 रुपए का। तो ऐसा सामान है जो कि हमारा खर्च तो हो चुका है बट वो अभी तक सेल्स नहीं हुआ, राइट। तो बच्चों जब आप क्रेडिट साइड में 40000 रुपीज दिखा देते हैं तो मतलब आपने डेबिट साइड की कॉस्ट को ऑटोमेटिकली कम कर दिया,
राइट तो क्रेडिट साइड की जो क्लोजिंग स्टॉक है वो डेबिट साइड की कॉस्ट को ऑटोमेटिकली कम कर देती है और इसी के लिए हमने क्या फॉर्म करते हैं क्या बना लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक. इज इट क्लियर. अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बना दिया तो जो अब हमारा जो प्रॉफिट होगा नो डाउट 2 लाख का प्रॉफिट नहीं है हमारा. अब हमारा प्रॉफिट क्या है 2,40,000 राइट. अच्छा एक किस्म से हमने 40,000 रुपए की कॉस्ट आप माने फाइनेंशियल ईयर की कॉस्ट नहीं मानी तो क्या ये कॉस्ट कभी भी होगी नहीं है. ये कॉस्ट तब की है जब हम इन 200 वॉचेस को सेल करेंगे और इन 200 वॉचेस को हम सेल कब करेंगे नेक्स्ट ईयर में. तो ये हमारे एक्सपेंस जो है नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट बन जाएंगी राइट. तो ये एक्सपेंस हमारी नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट बन जाएगी यानी कि हम इसको नेक्स्ट ईयर में क्या लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक. तो नेक्स्ट ईयर की स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक में हम लोग लिखेंगे बेसिकली 200 यूनिट्स 200 का प्राइस और अमाउंट कितना 40,000 और वो जो रेवेन्यू यानी कि क्या लिखेंगे सेल्स एंड सो ऑन एवरीथिंग विल बी सेम. बाकी सब कुछ सेम सेम राइट. तो बच्चों कहने मतलब ये रेवेन्यूज और एक्सपेंस हमारे मैचिंग प्रिंसिपल के होने के कारण से क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में शो करते हैं और जब हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में शो करते हैं तो बेसिकली हम डेबिट साइड की कॉस्ट को क्या कर रहे हैं रिड्यूस कम राइट. इज इट क्लियर. तो बच्चों यही काम हमें यहां पर करना चाहिए. तो ये काम कब करना होगा अगर ये जितने भी खर्चे हमने यहां पर खर्च किए हैं ये सभी के सभी एक्सपेंसेस हमारे उतने यूनिट से रिलेटेड नहीं है जो यूनिट हमने सेल की तो हमें यहां पर भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी राइट. तो ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट तब करनी पड़ती है जो हमने कॉस्ट खर्च की है वो जिन यूनिट से रिलेटेड है और जो सेल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से रिलेटेड हो. अगर तो कॉस्ट हमने खर्च की 1000 यूनिट्स के लिए और सेल्स भी हमने की 1000 यूनिट्स के लिए तो अगर दोनों की मैचिंग हो गई तब तो हमें प्रॉफिट मतलब तब तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता. तो बच्चों वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक जस्ट टू फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल. इज इट क्लियर. मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करते हैं. अब इसमें कोई शक नहीं रहा. इज इट क्लियर. तो बच्चों अब हमने कहा हमारा जो स्टॉक होता है ध्यान दीजिएगा स्टॉक होता है अगर इसमें हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक हुआ तो हमें एडजस्ट करना है. अगर वहां पर कोई क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो भी हमें एडजस्ट करना है. तो बच्चों मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में क्या करना है प्लस या माइनस. क्लोजिंग स्टॉक हमारी कॉस्ट को कम कर देता है और ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट को क्या कर देता है बढ़ा देता है. ओपनिंग स्टॉक प्लस एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस राइट. और बच्चों इसके अलावा ये जो स्टॉक है ना स्टॉक ये बच्चों स्टॉक भी हमारे पास तीन तरह का होता है. तीन तरह का मतलब एक होता है रॉ मटेरियल राइट. एक होता है डेट इज कॉल्ड WIP और एक होता है डेट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स राइट. रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स. WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस राइट. और बच्चों अगर ये सब कुछ हमारा स्टॉक है तो हर स्टॉक हमारे दो तरह का होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग राइट. सो हर एक मटेरियल हमारे पास दो तरह का होगा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जैसे पता चल जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे कॉस्ट में और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे राइट. अच्छा ये रॉ मटेरियल क्या होता है कच्चा माल राइट. मतलब अगर मैं कहता हूं पेन मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो जो प्लास्टिक होगा वो क्या हो जाएगा कच्चा माल राइट. अगर मैं कहता हूं कि मुझे टेबल मैन्युफैक्चर करनी है तो टेबल में जो वुड होगी लकड़ी होगी वो क्या हो जाएगी कच्चा माल राइट. अच्छा जब हमारा गुड्स मतलब जब हमारा पेन बनके बिल्कुल तैयार होगा जस्ट रेडी टू सेल तो क्या बन जाएगा फिनिश गुड्स राइट. अगर बच्चों मैं कहता हूं कि रॉ मटेरियल खरीद कर लेके आए अभी वो मशीनरी में लगा हुआ है बट 100% बनके तैयार नहीं हुआ तो वो जो सामान होगा वो क्या कहलाएगा वर्क इन प्रोग्रेस राइट. तो तीन तरह का सामान हो गया रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. मैंने कहा बच्चों आपने जो है फाउंडेशन में बेसिक क्लास में CPT फाउंडेशन के अंदर एंट्री की है जस्ट एंट्री की है. आप क्या है कि आप क्या हो रॉ मटेरियल. आप जो है प्रोफेशनल डिग्री लेकर तैयार हो गए राइट. नाउ यू हैव ए प्रोफेशनल डिग्री राइट. CA CS CMA आपके पास जो है MBA आपको प्रोफेशनल डिग्री हो गई. यू हैव व्हाट
फिनिश गुड्स, यू आर रेडी टू सर्व द इंडस्ट्री, अभी क्या हो, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी आपके ऊपर काम चल रहा है, राइट अभी काम चल रहा है, अभी आपको तैयार करना बाकी है, राइट अच्छा ये वर्क इन प्रोग्रेस कितना तैयार हो गया, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग स्टेज है, राइट अभी तो जस्ट स्टार्टिंग स्टेज है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम आपको जो है फिनिश्ड थोड़े भी फॉर्मेट में नहीं मानते, राइट यकीन मानो बच्चों, हम लोग कहते हैं कि जब आप फाउंडेशन या सीपीटी पास कर लेते हो, राइट देन यू आर 10% फॉर्म्ड, कितना 10%, जब आप इसके बाद का लेवल यानी कि इंटर लेवल पास कर लेते हो, राइट एग्जीक्यूटिव लेवल पास कर लेते हो, देन यू आर पास कर लेते हो, आई रिपीट पास कर लेते हो, देन यू आर 40% रेडी, राइट और अगर आप फिनिश कर लेते हो फाइनल, राइट तो फाइनल पास करने के बाद देन यू आर 80% रेडी, राइट और यकीन मानो इसके बाद का जो 10% है, आपको लग रहा होगा मैं 100% बोलूंगा, इसके बाद का जो 10% है वो कंपनीज में ट्रेनिंग देकर आपको तैयार किया जाता है, और 100% इंसान कभी भी रेडी नहीं होता, देयर इज ओनली वर्ल्ड ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन लाना कभी भी हमेशा 100% कंप्लीट नहीं हो सकता, सो 100% परफेक्ट तो कोई नहीं है, राइट बट हां परफेक्शन की तरफ हर लोग जाने की कोशिश करता है, राइट सो आप किस लेवल पे हो आपको मालूम है, अच्छा ये क्या चीज है, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट वैसे डिग्री को हम कहेंगे 10% 50% एंड 100%, है ना, अगर हम इमोशनली ना जाएं, अगर हम मतलब बहुत गहराई से ना सोचें तो 10% 50% एंड 100%, चलिए बच्चों, अच्छा इसी तरह से वैल्यूएशन भी की जाती है, राइट बहुत आगे जाकर एक चैप्टर आएगा इक्विवेलेंट यूनिट्स, राइट तो उसमें हम लोग WIP की वैल्यूएशन भी करेंगे कि WIP की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, राइट भाई ये तो कच्चा माल है, इसकी वैल्यूएशन अलग, बड़ा सिंपल हो जाएगा, फिनिश्ड मतलब पक्का माल, इसमें सारे खर्चे डल गए हैं, पर WIP में तो कुछ खर्चे डले हैं और कुछ खर्चे नहीं डले, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, ये भी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, एनीवे इज इट क्लियर, हर एक स्टॉक के क्या है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो उस ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को हमें कहां एडजस्ट करना है, कॉस्ट शीट में, और कॉस्ट शीट में कहां एडजस्ट करना है बच्चों, ऐसे प्लेसेस में जहां से ये एक्सपेंस रिलेट करता है, राइट जैसे बच्चों मैंने कहा रॉ मेटेरियल है, कच्चा माल, मुझे बताओ पूरे कॉस्ट शीट के अंदर ये रॉ मेटेरियल कहां से रिलेट कर रहा है, मैंने इसको 1, 2, 3 दे दिया, 1 ये सब कुछ ये कहां से रिलेट कर रहा है, डायरेक्ट मेटेरियल से, तो हम लोग इस रॉ मेटेरियल को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल को डायरेक्ट मेटेरियल में ही एडजस्ट करते हैं, राइट हमने कहा WIP वर्क इन प्रोग्रेस ये कहां से रिलेट कर रहा है, ये वर्क इन प्रोग्रेस बच्चों कहां बन रहा होगा, कंपनी में फैक्ट्री में, तो कहां से रिलेट कर रहा है, फैक्ट्री से, तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये हम फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं, राइट और थर्ड क्या है, फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गया, जब ये बनकर तैयार हो गया, बिका नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ, तो ये कहां से रिलेट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही एडजस्ट करते हैं, गॉट इट, तो जो हम इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर देंगे तो आपकी जो कॉस्ट शीट होगी वो इस तरह से फॉर्म होगी, सबसे पहले बच्चों हमने कहा क्या स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट जितना भी है व्हाटएवर, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया बच्चों, वी एडेड रॉ मटेरियल परचेज एंड माइनस कर दिया, इसी रॉ मेटेरियल को हमें डायरेक्ट मेटेरियल में एडजस्ट करना है, तो ओपनिंग प्लस एंड क्लोजिंग माइनस, तो जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल इसमें माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल इसमें से माइनस कर देते हैं, वट एवर राइट, सो बच्चों दैट इज कॉल्ड बेसिकली रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड बोलते हैं इसको, कंज्यूम्ड मतलब जिसको जितना हमने खर्च कर लिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज ध्यान दीजिए ऊपर एक बार, ओपनिंग स्टॉक हमने सामान पहले से रखा हुआ था, कुछ सामान और परचेस किया, तो जो टोटल क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है वो ये वाली है,
राइट, दैट इज रॉ मेटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन. पर कुछ सामान रॉ मेटेरियल ऐसा है जो कि आपने यूज ही नहीं किया, तो बाकी सामान कहां गया, कंज्यूम, यूज हो गया, राइट. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा है, डायरेक्ट लेबर. नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा है, डायरेक्ट एक्सपेंस. इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी. तो अगर नहीं करनी तो बच्चों हम इसके जस्ट बाद यहां पर लिखेंगे प्लस कर देंगे डायरेक्ट लेबर, राइट. जस्ट बाद प्लस कर देंगे इसमें, क्या प्लस कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट. तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कर दिया गया है. और बच्चों आपको याद होगा हमने इसको क्या नाम दिया है, प्राइम कॉस्ट. तो इसको यही नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट व्हाटएवर. तो बच्चों आगे हम इसमें और ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट. तो इसमें हमने ऐड कर दिया बच्चों, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. और जैसे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए तो अब आपके पास क्या बन गया है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री, हां जी, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट. अब जो इस फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग याद होगा डिफरेंट डिफरेंट और भी नाम दिए थे, क्या नाम दिया था, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट. इसमें हमें क्या एडजस्ट करना है, पॉइंट नंबर टू, यानी कि WIP. तो कैसे एडजस्ट करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें हम ओपनिंग, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें हम लोग माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. तो ओपनिंग प्लस एंड क्लोजिंग WIP माइनस, राइट. और बच्चों इस तरह से जब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP की, तो अब आपके पास जो ये नंबर बन जाता है, तो इसको भी हम फैक्ट्री कॉस्ट ही बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट. पहले भी फैक्ट्री कॉस्ट बोला, अभी भी फैक्ट्री, कुछ अजीब नहीं हो गया, अजीब हो गया, थोड़ा सा हमने डिफ्रेंशिएट किया. कैसे डिफ्रेंशिएट किया, हमने कहा फैक्ट्री कॉस्ट जो पहले वाला था उसको हमने बोला ग्रोस, और अब वाला फैक्ट्री कॉस्ट को हमने बोला नेट, राइट. फैक्ट्री कॉस्ट के और नाम है वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट. तो फैक्ट्री कॉस्ट की जगह आप ग्रॉस वर्क कॉस्ट या नेट वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो, राइट. तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया. तो कहां पहुंच गए हम लोग बच्चों, यहां पर, यहां पर. अब हम ऐड क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे बच्चों क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, राइट. ये ऐड कर देंगे, और जैसे ये ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. अब बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट इसमें और क्या ऐड कर दें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट. अब जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो अब आपके पास बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स. और कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा रुकिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें क्या एडजस्टमेंट करनी थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें एडजस्टमेंट करनी थी ओपनिंग फिनिश गुड्स, एंड माइनस करना था इसमें हमें क्लोजिंग फिनिश गुड्स, राइट. तो इसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट. और इसमें हम ऐड कर देंगे, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, दैट विल बी एडेड, एंड दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में लास्ट में हमने एस्टिमेट कर दिया है सब कुछ, तो उसमें हम क्या ऐड कर दें, प्रॉफिट मार्जिन. और जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे तो व्हाट वी विल हैव, यस प्लीज, वी विल हैव द वैल्यू ऑफ द सेल्स, राइट. एंड नाउ दिस बिकम्स द कॉस्ट शीट, इज इट क्लियर, राइट. तो बच्चों ये हमारा फुल फ्लैश फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट शीट बनकर आपके सामने तैयार हो गया है, राइट. और बच्चों जैसे हम लोग कॉस्ट शीट फॉर्म कर लेते हैं तो नो डाउट आपकी इच्छा हमेशा ये होगी कि हम लोग एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें, यस नो, यस. तो बच्चों हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस एंड देन वी विल प्रोसीड अगेन. सो हम देख रहे हैं हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 1.4. I repeat, we are seeing the question number 1.4. Can we rough the right hand side? ये तो आपने पहले कॉपी कर लिया होगा, राइट.
अब बच्चों देखो, जब भी आपको कॉस्ट शीट फॉर्म करनी है, बनानी है, तो सबसे पहला काम ये करो कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लो। आई रिपीट, जब भी आपको कॉस्ट शीट फॉर्म करनी है तो सबसे पहला काम क्या करो, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लो। तो मेरा तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बिल्कुल बनकर तैयार है, रेडी है, 1.4 क्वेश्चन, राइट। मेरा तो फॉर्मेट बनकर तैयार है, राइट। अब मैं आपको इसी फॉर्मेट के अंदर कुछ बता रहा हूं, बहुत आसान है, होगा क्वेश्चन में। देखो, अब आपके पास जितने भी एक्सपेंसेस गिवन होंगे, उन एक्सपेंसेस को कोरिलेट करना है कि कौन सा एक्सपेंस कौन से हेडिंग से रिलेट करता है। जैसे आप ये कोरिलेट कर लेंगे, बस क्वेश्चन बनकर तैयार, राइट। तो बच्चों सबसे पहले मैं 1.4 क्वेश्चन करने जा रहा हूं आपके साथ, तो देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, राइट। कैन वी स्टार्ट? हां जी, स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ आपके पास, द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द आनंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 1993। तो अगस्त 1993 का आपके पास कुछ डेटा गिवन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, हां जी, कॉस्ट शीट बना लेंगे, राइट। पर सर, कॉस्ट शीट बनाते समय ये ध्यान रखना कि आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कौन से गिवन है। तो देखो, आपको लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 160% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी हैव, इन्वेंट्री अकाउंट शोड द थ्री शोड दीज ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेज, रॉ मेटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, WIP ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग, राइट। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आगे है अदर डेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस 3400, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2600, सेल्स फॉर द मंथ 75,000। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमें गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न। तो बच्चों आपको एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें कि ये सारे के सारा डेटा, प्रॉफिट का, सेल्स का, कॉस्ट का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का सारा डेटा आप फाइंड कर लो, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपके पास बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कौन से गिवन है, आपके पास रॉ मेटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, WIP का भी गिवन है, एंड फिनिश गुड्स का भी गिवन है। तो आपके पास सारी की सारी फुल फ्लैश फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आपको फॉर्म करनी होगी। इज इट क्लियर? स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला काम करना है फॉर्मेट बनाना है, दूसरा काम करना है कि स्टार्टिंग से सारे के सारे नंबर्स एक एक करके रीड करते जाने, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो जहां जहां पर आएगा वहां रिप्लेस करते जाना, और देखना आपके पास क्वेश्चन अपने आप से बनकर तैयार हो जाएगी, राइट। सबसे पहले लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो कहां पर आएगा, लेबर में ही आएगा ऑब्वियसली। तो बच्चों लेबर में हम लोग यहां पर लिख देते हैं कितना अमाउंट है, 16,000, तो अमाउंट इज रुपीज 16,000, राइट। इसके बाद बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है नेक्स्ट एक्सपेंसेस, अच्छा ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है 160% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड। ये 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड क्या चीज है, लेबर कॉस्ट। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लो, आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो गिवन ही है, और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है रुपीज 16,000, राइट। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो कॉस्ट 160% ऑफ किस चीज का है, किस चीज का है बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड्स का, ऐसे ही कह रहा है ना, राइट। तो 160% का मतलब हुआ 160/100, राइट। सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बच्चों कितने रुपीज की, 16,000 के। ये 160/100 तो है ही, मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड से। तो अब आपके पास इस तरह से क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा आपके पास, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इट विल बी 16,000 × 100/160। तो बच्चों कैलकुलेशन कीजिएगा, नो डाउट ये 10,000 का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है सर। तो जो 10,000 का अमाउंट क्या चीज आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इस स्टेटमेंट में जहां पर भी फैक्ट्री ओवरहेड वर्ड है वो वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड वर्ड रिप्लेस कर दो, लाइक फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके पास यहां पर लिखा हुआ है रुपीज 10,000, राइट। और आगे चलेंगे, इसके बाद लिखता है दैट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56,000। तो बच्चों कॉस्ट सोल्ड कहां आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वी हैव ए प्लेस फॉर दिस ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का प्लेस है हमारे पास। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू गिवन है, तो बच्चों जो ये वैल्यू गिवन है ये वैल्यू हम एज इट इज रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट इज इन्वेंट्री अकाउंट्स शॉर्ट दीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है रॉ मेटेरियल का 8,000, और क्लोजिंग गिवन है 8,600, राइट। सो 8,600, तो बच्चों रॉ मेटेरियल की बात हो रही है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 8,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितना गिवन है 8,600। तो जो जो अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट यहां पर आपने रिप्लेस कर दिया, राइट। और बच्चों और आगे चलेंगे,
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज डब्ल्यू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 8000 एंड क्लोजिंग 12000. तो बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी के जगह पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे, दिस इज 8000 एंड 12000. राइट, बहुत अच्छी बात बच्चों. और आगे चलते हैं, फिनिश गुड्स ओपनिंग 14000 एंड क्लोजिंग 18000. ओपनिंग 14000 एंड क्लोजिंग कितना 18000. राइट, और बच्चों लिखा हुआ है अदर डेटा सेलिंग एक्सपेंसेस. बच्चों सेलिंग एक्सपेंसेस हमारी कॉस्ट शीट में कहां पर आने वाला है? एक्चुअली ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एक पार्ट है. तो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की जगह पर ये वैल्यू लिख दें 3400. राइट, और आगे चलेंगे बच्चों. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वी हैव दैट वी हैव जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. क्या लिखा हुआ आपके पास? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. बच्चों ये जो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ है ये एक्चुअल में मालूम तो नहीं चल रहा किसका है, पर सर जब हम जनरल बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं तो ये कहां से रिलेट करेगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से. राइट, तो अगर ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड करता है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का हिस्सा आ जाएगा, पार्ट हो जाएगा. तो कितना अमाउंट है रुपीज? दिस इज रुपीज 2600. और वो तो लास्ट में आपके पास सेल्स गिवन है और सेल्स कितना गिवन है? रुपीज 75000. तो बच्चों जो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहां पर क्वेश्चन में रिप्लेस कर दी. राइट, बच्चों रिप्लेस तो कर दी बट सर जब हम यहां पर वर्किंग करते हैं आगे तो इस वर्किंग में हमें बड़ी दिक्कत आती है. ध्यान दीजिए 8000 प्लस रॉ मेटेरियल परचेज. रॉ मेटेरियल परचेज मालूम आपको? नहीं मालूम. अच्छा जब ये नहीं मालूम तो ये नहीं मालूम, फिर ये नहीं पता चल सकता. इसको मान लेंगे जीरो है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन तो क्या मान लेंगे? जीरो. मैं आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंस जनरली हमें मालूम होते भी नहीं है, तो ये जीरो आ गया. राइट, तो ये भी नहीं मालूम चल सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं. अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि रॉ मेटेरियल परचेज हो ही ना, इसको जीरो बना दे? इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? दो रीजन है. एक तो कंपनी में रॉ मेटेरियल कुछ ना कुछ परचेज होगा तभी मैन्युफैक्चरिंग होगी. अगर आपको तो नहीं सर, ओपनिंग स्टॉक भी तो है ना, तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 8000. क्लोजिंग स्टॉक है 86. मतलब ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग और परचेज भी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो यानी कि हमने कुछ ना कुछ रॉ मेटेरियल परचेज तो किया होगा. अब कितना रॉ मेटेरियल परचेज किया होगा ये मालूम नहीं है. तो बच्चों कैसे पता लगा है? क्या कहते हो? राइट, आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जो कि हम एक्चुअल में कैलकुलेशन करके फाइंड करते हैं. राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब गिवन है तो हम लोग बैकवर्ड वर्किंग करते हैं, और बैकवर्ड वर्किंग करते हुए बच्चों नो डाउट हम लोग ये रॉ मेटेरियल परचेज आइडेंटिफाई फाइंड कर सकते हैं. राइट, हाँ ये तो आ ही जाएगा, पर मेरा टारगेट क्या फाइंड करने का है? रॉ मेटेरियल परचेज. तो हम लोग बैकवर्ड वर्किंग कर लेंगे, तो बैकवर्ड वर्किंग करते हुए फाइंड कर देंगे. और बच्चों जब हम बैकवर्ड वर्किंग करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से स्टार्ट करेंगे. राइट, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे तब? प्लस. ओपनिंग स्टॉक माइनस, एंड देन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड माइनस. क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस माइनस, मतलब जो ये साइन है बैकवर्ड जाते हुए रिवर्स हो जाएंगे. राइट, तो बच्चों हमें एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वर्किंग नंबर टू. हमने कहां से स्टार्ट कर दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से. राइट, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने रुपीज का है? रुपीज, हाँ जी, कितने रुपीज का है? दिस इज रुपीज 56000. राइट, और प्लस कर देते हैं बैकवर्ड आते हुए, प्लस वी हैव क्लोजिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज रुपीज 18000 माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स. और ये ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने रुपीज का है? 14000. तो बच्चों प्लस माइनस कर दो, कितना आ गया? 60000. राइट, तो बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. राइट सर, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से और बैकवर्ड आते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर देंगे? प्लस या माइनस? माइनस कर देंगे. तो बच्चों माइनस कर देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और ये कितने रुपीज का है? 2600. राइट, तो आपके पास क्या बच गया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट. तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट बच्चों बता दीजिए 57400, एंड देन प्लस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी एंड माइनस ओपनिंग डब्ल्यू आई पी.
ये जो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है ये कितना है बच्चों 12,000 और ओपनिंग डब्ल्यू आई पी कितना है ये 8,000। तो बाकी क्या बच गया बच्चों ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट कितना बचे 61,400 एंड देन माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स माइनस फैक्ट्री ओवरहेड हाउ मच अमाउंट 10,000 ना 10,000 तो बच्चों बाकी क्या बच जाएगा दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट कितना बच गया 51,400 एंड देन माइनस डायरेक्ट लेबर तो डायरेक्ट लेबर तो बच्चों 16,000 बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस तो लिखने की जरूरत ही नहीं है वो तो है ही जीरो राइट तो अब बाकी बच्चों क्या बन जाएगा रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड राइट कितने रुपीज 35,400 और बच्चों इसके बाद वापस प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितने भी रुपीज बच्चों 8,600 एंड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल इतना रुपीज 8,000 और जो बाकी क्या बच जाएगा डेट इज कॉल्ड रॉ मेटेरियल यस प्लीज परचेज हाउ मच 36,000 बिल्कुल ठीक है सर 36,000 तो वो जो फाइनली आपने रॉ मेटेरियल परचेज फाइंड कर लिया और जैसे ही रॉ मेटेरियल परचेज फाइंड कर लिया उसको हम यहां पर रिप्लेस करते हैं राइट तो फिर से स्ट्रेट अवे कैलकुलेशंस करनी जाएंगी वही होगा जो हमने अभी फाइंड किया था ये हो जाएगा बच्चों कितना 35,400 एंड प्लस 16,000 कर देंगे तो ये हो जाएगा यस प्लीज 51,400 61,400 एंड 57,400 एंड दिस इज 60,000 और उसके बाद बच्चों आपके पास इन्फॉर्मेशन है ही एंड दिस इज 59,400 और बच्चों बैलेंसिंग फिगर जब फाइंड हो जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट राइट कितना आता है बैलेंसिंग फिगर यस प्लीज 15,600 राइट सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर कॉस्ट शीट कॉपी करेंगे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेसिकली ये एक आरटीपीसी क्वेश्चन लिया गया है जो ऑलमोस्ट इसके जैसा है 1.3 क्वेश्चन वर्किंग नोट के लिए अगर कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है एग्जामिनर को अच्छा लगेगा बच्चों एग्जामिनर को वर्किंग नोट हमेशा हमेशा बहुत पसंद आते हैं राइट एग्जामिनर कहता है तुम मुझे वर्किंग नोट्स दो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा राइट ये हमेशा एग्जामिनर की कोटेशन होती है तो जितने ज्यादा वर्किंग नोट्स आप एग्जामिनर को दोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपका एग्जामिनर आपको देगा राइट याद रखना है तुम मुझे वर्किंग नोट्स दो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा राइट जितना शॉर्ट बच्चों हमेशा याद रखना हमें आपको सिर्फ दो ही चीज सिखानी है नंबर वन कॉन्सेप्ट्स नंबर टू प्रेजेंटेशन नो डाउट एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स ही आते हैं पर उन कॉन्सेप्ट्स को जब तक आप प्रेजेंट नहीं करके दिखाओगे तब तक एग्जामिनर ये मान के चलेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता राइट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रेजेंटेशन ही दो चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है जनरल एक्सपेंसेस को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट मानते हैं राइट वैसे नेक्स्ट क्लास का यही हिस्सा मतलब अभी नेक्स्ट क्लास में ना ये तो हमने एक हेडिंग वाले क्वेश्चन को कर लिया नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल एक्सपेंस होंगे तो हम ये सीखेंगे कि कौन सा एक्सपेंस किससे रिलेट कर रहा है राइट और जो सा एक्सपेंस जिससे रिलेट करेगा उसी कैटेगरी में उसको ट्रांसफर करेंगे राइट नेक्स्ट क्लास का टॉपिक यही है राइट और इसके अलावा 1.3 क्वेश्चन है जो उसके इससे मिलता जुलता है थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको करने के लिए 1.3 को राइट बट हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1.3 को डिस्कस करेंगे राइट बच्चों यकीन मानो पूरी कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ दो ही तरह के चैप्टर हैं एक वो चैप्टर जो कि बहुत आसान है और एक वो चैप्टर जो कि आसान है राइट इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी आपकी कॉस्टिंग के अंदर बिल्कुल ना है ना होगी प्रोवाइडेड आपने सारे के सारे क्लासेस करी हो और सीक्वेंस से करी हो
राइट। तो आप जब भी कोई चैप्टर करें तो सीक्वेंस से करें, तो ऐसा करेंगे तो आपको सिर्फ दो ही कैटेगरी दिखेगी, एक तो आसान कैटेगरी और दूसरा बहुत आसान कैटेगरी। दैट इज प्रॉमिस फॉर ऑल दी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए प्रॉमिस है, चाहे आप इंटर में पढ़ेंगे चाहे आप फाइनल में पढ़ेंगे। राइट सर, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।